विधानसभा चुनावको घोषणा पश्चात चुनावी प्रचार प्रसारलाई लिएर सबै राजनैतिक दलहरू लागि परेका छन्। यसै क्रममा आज चमर्ची अञ्चल तृणमूल कंग्रेसको पूर्णाङ्क कमिटीको घोषणालाई लिएर आज साँझ चमर्ची तृणमूल कंग्रेस दलीय कार्यालयमा एक सभा सम्पन्न भएको छ। सभामा बानरहाट ब्लक तृणमूल कंग्रेस सभापति नयन दत्त, सहसभापति सुजु छेत्री, श्रमिक नेता नृपराज छेत्री, तबारक अली, विधान सरकार चमर्ची अञ्चल सभापति प्रतिमा मिन्ज, अञ्चल सचिव नीरज छेत्री, अञ्चल युवा सभापति सञ्जय मुखर्जी, चमर्ची ग्राम पञ्चायत प्रधान चन्दना राय लगायत अन्य दलीय नेता साथै कार्यकर्ताहरू उपस्थित रहेका थिए। बानरहाट ब्लक सभापति नयन दत्तले चमर्ची अञ्चलको पूर्ण कमिटीको घोषणा गर्दै आगामी विधानसभा चुनावको निम्ति सबै एकजुट भएर दललाई विजयी गराउने कार्य गर्ने आह्वान गरेका छन्। आज यहाँ पर तृणमूल कांग्रेसका एक सभा सम्पन्न हुआ। इस सभा में क्या क्या कर्म माने क्या क्या यहाँ पर कर्मसूची लिया गया? आज का सभा है, आपको पता है कि बीते 25 फरवरी बिनागुरी चामुर्ची अंचल का पेशेंट प्रतिमा मिंज को उसको अपॉइंट दिया गया। उसके बाद आज फर्स्ट अंचल का मीटिंग है। तो आपको पता है कि इसी पहले हम पेशेंट किया था जो प्रतिमा यहाँ पर जो कमेटी आज घोषणा कर रहा है टोटल 45 इसको कमेटी है मेंबर बनाया 45 मेंबर लेके एक अंचल कमेटी घोषणा अंचल कमेटी हुआ। इसमें से प्रतिमा मिंज प्रेसिडेंट अंचल प्रेसिडेंट, आपको तीनों वाइस प्रेसिडेंट है सीताराम ठाकुर, जॉय टोप्पो, सरताज अंसारी तीनों वाइस प्रेसिडेंट है। चार जनरल सेक्रेटरी है गोपाल तुरी, विदुर छेत्री, प्रकाश बराय, नीरज छेत्री, चार होगा जनरल सेक्रेटरी। बाद में जितना है और बूथ सब लिया गया टोटल मिला के 45 को मिला के एट ऑल सेकेंडरी घोषणा आज हो रहा है। विधानसभा की चुनाव की घोषणा तारीख भी तय हो गई है 17 अप्रैल को। यहाँ पर पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में चामुर्ची अंचल में तृणमूल कांग्रेस का जो रिजल्ट होना चाहिए था उस हिसाब से नहीं हुआ, तो इस बार जो अंचल कमेटी का गठन किया गया इससे आप क्या आशा रख रहे हैं? देखिए लोकसभा का बात दूसरा है, उस समय मोदी का हवा था उस टाइम में पूरा पूरा देश में पूरा राज्य में, लेकिन इस बार हम लोग का समर्थन अच्छा है, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। भले फिलहाल अंचल कमेटी आज घोषणा हो रहा है लेकिन काम बहुत जल्दी चल रहा है। बूथ बूथ बगल बगान हम लोग का बूथ कमेटी भी मोटा मोटी हो गया, तृणमूल कमेटी हो गया, काम भी चल रहा है, अभी डेली प्रोग्राम चल रहा है। और हमको दीदी जितना काम किया जितना विकास किया दर्शन विकास किया जो बागान में एसटी के लिए जो किया जो चार सौंदरी घर घर पानी राशन जो भी मिला है चार सौंदरी बहुत कुछ इसका प्रभाव असर पड़ेगा दीदी का एवं 200 सीट टीएमसी को मिलेगा। बाद है वोट डिक्लेयर हो गया बाकी है 1 महीना। तो मैं मीडिया प्रेस के इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि 10 तारीख के बाद से मैं आपसे कोई भी आपको कुछ मैंने पार्टी से कुछ जानना है या जैसे ब्लॉक पे ब्लॉक कौन से हमको बोलिए अगर समस्या होने से अंचल का कुछ आप लोग को प्रेस करना है तो पार्टी का प्रोग्राम आप थोड़ा जो अंचल प्रेसिडेंट है उनसे कहिएगा क्योंकि आपको देखिएगा 10 तारीख के बाद से कोई भी प्रोग्राम होगा अंचल प्रेसिडेंट घोषणा जब अप्रूव करेगा ब्लॉक प्रेसिडेंट में घोषणा नहीं होगा तब तक कोई प्रोग्राम नहीं होगा। इसीलिए कोई भी अगर कोई प्रेस मीट कीजिएगा आप मत लीजिए, जो भी होगा अंचल प्रेसिडेंट जो बोलेगा वही कीजिए, बाकी अगर किसी मत सुनिए वोट तक ऐसा आप कीजिए। ये मीडिया के पास मेरा अनुरोध है ब्लॉक कमेटी तरफ से और ब्लॉक प्रेसिडेंट तरफ से।